हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रोल्स ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। एक्चुअली ये रोल्स आगे जो आपका एक P&L अप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए और उसमें जो भी एक्सपेंसेस डाले जाते हैं उन एक्सपेंसेस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले ये समझें व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स विच आर प्लेड बाय द पार्टनर्स इन हिज ओन पार्टनरशिप फर्म। अलग अलग रोल्स जो हैं इसकी अगर हम बात करें तो रोल्स ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर के अलग अलग रोल्स एक्चुअली फर्म के अंदर क्या होते हैं। ये रोल्स क्यों समझ रहे हैं हम, इसको भी मैं आपको वन बाय वन इसके साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमने बोला पार्टनर एंड अ फर्म, तो पार्टनर कौन हो गया? ही इज एन ओनर ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहला रोल होता है कि अ पार्टनर इज अ कैपिटल प्रोवाइडर, ठीक है ना। ये पार्टनर अपने आप में क्या बन जाएगा? कैपिटल प्रोवाइडर, और इस रोल से ही विल बी ट्रीटेड एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अगर हमने इसको ओनर माना तो मींस जिसे हमने कहा कि ए बी एंड सी दीज आर द थ्री पार्टनर्स, और कोई भी बंदा पार्टनर कैसे बनेगा, ओनर कैसे बनेगा बिजनेस का? बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस की मैं बता चुका हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कोई पार्टनर फर्म में ओनर बन जाता है, पार्टनर बन जाता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कैपिटल, ठीक है ना। अब लेट सपोज इसने 6 लाख रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट की, इसने 4 लाख की और इसने 5 लाख रुपीज की, तो और मान लीजिए इनका रेशियो है 5:3:2, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये कि भाई इन लोगों ने ये कैपिटल इन्वेस्ट की है ना। तो इनका पहला रोल हुआ ऑल द पार्टनर्स आर द कैपिटल प्रोवाइडर्स इन द फर्म, और ये इनका बेसिक और ओरिजिनल और ट्रू रोल है, ठीक है ना। यही सबसे इनका खास रोल है, दूसरे सारे रोल जो है वो सब सेकेंडरी है। वो रोल बंदा चाहेगा तो प्ले करेगा, चाहेगा तो प्ले नहीं करेगा, बट अगर वो पार्टनर बन रहा है तो उसको ओनर का रोल तो अल्टीमेटली प्ले करना पड़ेगा। अब मैं ये क्वेश्चन है कि भाई इन तीन बंदों ने फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किए, व्हाई? फॉर द सेक ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। इसके अगेंस्ट जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा, देखिए सोल प्रोप्राइटर के अंदर बंदा कैपिटल इन्वेस्ट करता है किस लिए? ताकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। पार्टनरशिप फर्म में लोग पार्टनर्स प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हाई? फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड रेशियो। कंपनी के अंदर कंपनी के ओनर कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स बाय कर रहे हैं, बाय फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। वहां से कंपनी उनको जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड द डिविडेंड ऑफ द कंपनी। कंपनी का वो डिविडेंड एक्चुअली कहलाता है, फाइन। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज द प्रॉफिट। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उसके रिवॉर्ड में आपको प्रॉफिट ही मिलता है। मेरा एक कैपिटल और कैपिटल से के रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं उसके अंदर। तो रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज प्रॉफिट। कोई भी बंदा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस में अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो इन रिटर्न ही वॉन्ट्स वॉट? प्रॉफिट आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो ये प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर अग्रीड रेशियो, 5:3:2 का रेशियो। लेट सपोज अगर 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 5 लाख × 5/10 = 2,50,000, इसका हो जाएगा 5 लाख × 3/10 = 1,50,000 will be given to A, B and 1 lakh will be given to C. तो सबसे पहला रोल होता है इसका और सबसे ओरिजिनल, और ये कंपल्सरीली ये रोल होगा कि भाई अ पार्टनर इज अ कैपिटल प्रोवाइडर इन द फर्म और कैपिटल को प्रोवाइड करेगा, तो इन रिटर्न ही विल गेट व्हाट? प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, फाइन। अच्छा, दूसरा ये और ये सबसे ओरिजिनल रोल होता है, ठीक है। सेकंड, ही इज अ लोन प्रोवाइडर। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, फाइन, और यूजुअली लोन लिया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से, है ना, किसी NBFC से, किसी से भी आप लोन लेने अल्टीमेटली जाते हो। अब मान लो यहाँ पर टोटल कैपिटल कितनी हो रही है? 15 लाख। अब फर्म को और फर्दर 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट है एज अ लोन। अब ये बैंक जाती है और बैंक से जाकर के लोन लेते हैं, तो नेचुरली अगर आप कहीं से लोन लोगे तो यू हैव टू पे व्हाट? इंटरेस्ट अगेंस्ट दैट लोन। आपको उस लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। SBI में आप लोन लेने गए और SBI ने कहा कि भाई वी विल टेक 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक। इस केस में मान लो मिस्टर सी ने कहा कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, मैं वो फर्म को दे सकता हूं, बट ये मैं समझना कि मैं फर्म को दे रहा हूं तो मैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल दे रहा हूं, मेरी कैपिटल 5 लाख रुपीज ही रहेगी, मैं आपको इसको एडिशनली इन फॉर्म ऑफ लोन दे रहा हूं,
जस्ट लाइक वॉट SBI, जैसे SBI आपको लोन देती, ऐसे ही मैं आपको लोन दे रहा हूं. नाउ आई एम अ लोन प्रोवाइडर और मेरा रिलेशन इस लोन को लेकर फर्म में ओनर का नहीं रहेगा. मैं उस वैसे ही रिलेशन रहेगा जैसे SBI का और फर्म का रहता, वैसे ही मेरा पार्टनर का मिस्टर सी का और फर्म का रिलेशन रहने वाला है. एंड यू हैव टू पे व्हाट इंटरेस्ट ऑन दिस लोन. उसने कहा कि भाई बैंक आपसे 10% मांग रहा है, आप मुझे 8% पर एनम इंटरेस्ट दे देगा. फाइन. तो अब इसके ऊपर ये जो है इस लोन के ऊपर, हमें पता है लोन का रिवॉर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट. तो इस लोन के ऊपर 40,000 पर एनम इंटरेस्ट जो है ये फर्म को हर साल कंपल्सरीली किसको पे करना पड़ेगा, मिस्टर सी को पे करना पड़ेगा. एंड लिसन, यहां पर प्रॉफिट इज नॉट कंपल्सरी. प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा. इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव लॉसेस भी हो सकते हैं. फाइन, लॉसेस होंगे तो दे हैव टू सफर लॉसेस इन देयर एग्रीड रेशियो. बट यहां पर दिस पेमेंट इज कंपल्सरी. ये पेमेंट जो होगा ये कंपल्सरी पेमेंट है फर्म को. भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, दे हैव टू पे वॉट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर. क्योंकि इसका स्टेटस किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के जैसा ही स्टेटस होगा. यहां पर सी जो है, जिसने लोन प्रोवाइड किया है, सी पार्टनर के रोल में नहीं होगा. अल्टीमेटली वो पार्टनर के रोल में नहीं होगा और वो सिर्फ ये बोलेगा कि भाई मैंने ये लोन प्रोवाइड किया है तो आप मुझे एक टाइप का लोन प्रोवाइडर मानो, फर्म का क्रेडिटर मानो, और फर्म के क्रेडिटर की तरह, फर्म के दूसरे लोन की तरह ही मैं आपसे इसके ऊपर क्या करूंगा, इंटरेस्ट लूंगा. एंड पेमेंट ऑफ दिस इंटरेस्ट इज अल्टीमेटली कंपल्सरी, ये आपको देना पड़ेगा. ये कंपल्सरी है, यहां पर प्रॉफिट कंपल्सरी नहीं है. फाइन. नाउ द थर्ड रोल इज ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर टू द फर्म. फर्म को सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने कहा कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं. अब दे नीड एन अकाउंटेंट, उनको एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है. तो उन्होंने कहा कि भाई एक अकाउंटेंट रखो और अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होगी, 15,000 rupees पर मंथ होगी. मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं अकाउंट में एक्सपर्ट हूं, बेटर है कि मैं अकाउंट्स मेंटेन कर लेता हूं, अकाउंटेंट का रोल मैं पर्सनली प्ले कर लेता हूं, है ना. आप 15,000 rupees बाहर दोगे तो मुझे 12,000 rupees पर मंथ सैलरी दे देना. अब ये तो नहीं बोला जा सकते कि भाई तू तो घर का बंदा है, हम तुझे क्यों सैलरी दें. भाई वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो कल को बोल सकता है कि ठीक है मैं कहीं और पर जॉब कर लेता हूं, वहां से ले लूंगा, मैं यहां पर एज अ पार्टनर का रोल प्ले कर रहा हूं. बट नाउ ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पार्टनरशिप फर्म, सो ही इज एलिजिबल टू गेट द रेम्यूनरेशन अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक सर्विस. तो कोई भी जो भी सर्विस देगा उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, फर्म से क्या करेगा, रेम्यूनरेशन लेगा, है ना. तो याद रखें 12,000 rupees पर मंथ, दिस इज कॉल्ड एज सैलरी, है ना. इसी तरह से भाई बी ने कहा कि मैं आपको कोई जैसे सेल्समैन की रिक्वायरमेंट, तो ये अकाउंटेंट बन गया और इसने कहा कि भाई मैं सेल्समैन का वर्क करूंगा, लेकिन सेल्समैन 20,000 rupees पर मंथ सैलरी लेता है, तो ये सैलरी आप क्या करो, मुझे पे करो उसके अंदर, तो ये भी सैलरी पे करना पड़ेगी. फाइन. अब एक बात और याद रखिएगा इसके अंदर, पहली चीज के इस सर्विस प्रोवाइडिंग के अगेंस्ट ही विल गेट सम रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म. लेकिन अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए कि फर्म के अंदर दो सेल्समैन, एक मिस्टर बी सेल्समैन का वर्क कर रहा है और इन्होंने एक बाहर का मिस्टर एक्स नाम का एक एम्प्लॉई एज अ सेल्समैन वर्क के लिए रखा, ये भी 20,000 rupees पर मंथ सैलरी ले रहा है, ये भी 20,000 rupees पर मंथ सैलरी ले रहा है. फाइन. ये बंदा मिस्टर एक्स एम्प्लॉई है ना, लेकिन मिस्टर बी इज नॉट एन एम्प्लॉई. एक बंदा एट अ टाइम फर्म का ओनर और एम्प्लॉई नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहां पर एन एम्प्लॉई नहीं लिखा, यहां पर लिखा है अ सर्विस प्रोवाइडर. ही कैन प्ले अ रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और उस रोल के अगेंस्ट वो फर्म से रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है. ये रेम्यूनरेशन बाहर के बंदे को देना है, एम्प्लॉई को सैलरी, काम दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों सेम टू सेम काम कर रहे हैं. ये भी सेल्समैन का वर्क कर रहा है, ये भी सेल्समैन का वर्क कर रहा है, इसको भी एज अ सेल्समैन सैलरी मिल रही है, इसको भी एज अ सेल्समैन सैलरी मिल रही है, लेकिन ये बंदा फर्म का एम्प्लॉई नहीं कहलाएगा. ये अल्टीमेटली मैंने आपसे क्या कहा कि एक रोल, दूसरा रोल भले कोई प्ले नहीं करे उसको कैपिटल प्रोवाइडर ओनर का रोल तो प्ले करना ही पड़ेगा. एंड आफ्टर ऑल ओरिजिनली एवरी पार्टनर इज एन ओनर अल्टीमेटली, ठीक है ना, आखिरकार वो पार्टनर ही है, ओनर ही है. सिर्फ सर्विस दे देने से वो फर्म का एम्प्लॉई नहीं बन जाता, ठीक है. तो यहां पर जो सैलरी जो दी जाती है वो सैलरी पे की जाती है. अब ये उस वो कंपलसरी नहीं होती, वो क्या होता है, हम उसको अप्रोप्रिएशंस और चार्जेस के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फाइन. एंड नाउ द फोर्थ रोल इज एन एसेट प्रोवाइडर. ये बंदे एसेट प्रोवाइडर भी हो सकते हैं. एसेट प्रोवाइडर का मीनिंग होता है फर्म को पार्टनर अपनी कोई पर्सनल एसेट जस्ट फॉर द
यूसेज के लिए वो प्रोवाइड कर दे। जैसे भाई फॉर्म को लेट सपोज एक गोडाउन की रिक्वायरमेंट है जस्ट टू कीप देयर गुड्स, ठीक है ना, उनको अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन की रिक्वायरमेंट है। मिस्टर बी ने कहा कि भाई मेरे पास मेरे घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक जगह खाली है पूरी की पूरी, हम उसको गोडाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं, फाइन, बट मैं आपसे उसका रेंट वसूल करूंगा, क्योंकि अगर आप कहीं और से बाय चांस ये गोडाउन अगर रेंट पे लेते तो भाई वो गोडाउन के ऊपर भी आप रेंट पे करते तो भाई आप मुझे भी रेंट पे करो। लेट सपोज रेंट है 30,000 rupees पर मंथ, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसने क्या किया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे सकता है, कुछ भी, अल्टीमेटली वो एक असेट प्रोवाइडर का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। इसके रिवॉर्ड में ही विल गेट व्हाट रेंट, और जो भी वो अमाउंट उसके अगेंस्ट वो लेगा, वो हायर के जो चार्जेस होंगे वो उससे क्या करेगा, वसूल करेगा। अच्छा एक बात हो, यहां पर पार्टनर बोल सकता है कि भाई मुझे एक टाइप का मकान मालिक ही समझना, मैं अपनी पर्सनल असेट आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपनी पर्सनल असेट, मुझे ये पेमेंट कंपलसरीली आपसे चाहिए, फर्म को प्रॉफिट हो लॉस, जस्ट लाइक व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं वैसे ही आपको रेंट पे करना पड़ेगा। नेचुरली मैं अगर किसी से कोई ऑफिस या कोई भी शॉप अगर रेंट पे लेता हूं तो मेरा बिजनेस चले ना चले, प्रॉफिट में जाए लॉसेस में जाए, आई हैव टू पे द रेंट कंपलसरी टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। तो इस केस में यहां पर वो बोलेगा कि मुझे कंपलसरीली आपसे रेंट अल्टीमेटली चाहिए उसमें। तो फर्म में पार्टनर के चार रोल हो गए, कैपिटल प्रोवाइडर, ओनर, उसके बदले में इस कैपिटल के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट का, लोन प्रोवाइडर जिसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है इंटरेस्ट का, और ये पेमेंट फॉर्म के लिए कंपलसरी है। सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर रिवॉर्ड मिलेगा उसको सैलरी और रेमुनरेशन का, बट दिस इज नॉट कंपलसरी, क्यों नहीं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर ये सर्विस इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फर्म का ओनर है, फर्म से जुड़ा हुआ है, और ये एन एसेट प्रोवाइडर, यहां पर ये अपनी कोई एसेट दे रहा है, और इन रिटर्न इन रिवॉर्ड ही विल गेट व्हाट रेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। एक बात, कैपिटल का रिवॉर्ड सिर्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट ही नहीं होता, एक रिवॉर्ड और होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, और ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही होता है कि भाई पार्टनर ने अगर फर्म में कोई कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसके रिटर्न में वो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा, वो साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेता है। क्यों लेता है, अब इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में व्हेन वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ चार्जेस एंड अप्रोप्रिएशन, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली देर आर टोटल फोर रोल्स ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, एक तो कैपिटल प्रोवाइडर है ओनर, और ओनर में कैपिटल प्रोवाइड करेगा तो उसके रिवॉर्ड में ही विल गेट व्हाट प्रॉफिट एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड, ही इज अ लोन प्रोवाइडर, वो लोन देगा एक टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह, तो इन रिटर्न ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। थर्ड, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देगा तो सर्विस के अगेंस्ट वो रेम्यूनरेशन क्लेम करेगा फर्म से, बट सर्विसेज दे क्यों रहा है, बिकॉज क्योंकि वो पार्टनर है, ठीक है, फाइन, ये याद रखिएगा पॉइंट। और फोर्थ, ही इज एन एसेट प्रोवाइडर, अपनी कोई पर्सनल एसेट क्या करेगा, पर्सनल एसेट फर्म को देगा ऑन लीज और ऑन हायर और ऑन रेंट, तो उसके बदले में क्या करेगा, वो रेंट रिकवर करेगा, विच इज ऑफ कंपलसरी नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या रोल्स एक्चुअली होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, नी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, जितनी जल्दी होगा मैं उसको पढ़ करके आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी फ्रॉम द चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।